अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज हम फिर से जा रहे हैं बाहर। सलमान की आई है मुझे कॉल, तो आई एम ऑन द वे। लेकिन मेरा भांजा जो है वो मेरे साथ तैयार ठहरा है। भांजू जाने आपने मेरे साथ? मामू के साथ जाने? मामू के साथ जाने? नहीं जाना अभी तो। आपके मामू जाने? भांजू ने तो शूज भी पहन लिए हैं। भांजू चले चले। भांजू मान गया जी, हम बाहर जाएंगे। बाय बाय कर दो। बाय बाय कह दो आप। मामू आप जाएं, कह दो मामू जाएं आप, कह दो जाएं आप, कह दो मामू, कह दो जाएं आप, बोल दो ना जाएं आप, बोलो बाय बाय। बाय बाय अल्लाह हाफिज। अच्छा जा रहा हूँ। उतर आपने नहीं जाना? नहीं। ओके जी, भांजू ने हमारी जान नहीं छोड़ी, ठीक है। भांजू हमारे साथ ही जाएंगे, बट कुछ देर के लिए भांजू को हम वापस छोड़ जाएंगे। सलमान भाई आ चुके हैं। अस्सलाम। तो जी सलमान आ गया मेरे। तो दोस्तों डिसाइड यही हुआ है कि हम जा रहे हैं एक दोस्त की तरफ, जिसका नाम है 7 तारीख। तो काफ़ी अर्सा हो गया उसकी तरफ मैं गया नहीं हूँ। वो मेरी तरफ बहुत बार आया है लेकिन मैं उसके गांव कभी नहीं गया। तो सलमान मेरे साथ है तो हम जाने लगे उसके गांव। अब मुझे सा घर नहीं याद। अब घर याद होता तो फिर पहुँच भी जाते। अब क्या करें, विलेज है ना, इंसान भूल जाता है। मैं गया था तकरीबन कोई। तो गाइस फाइनली डिसाइड यही हुआ है कि हम चलते हैं एक दोस्त के पास। तो इधर एक्सपोजर मेरा हिल गया है, तो अब ठीक है एक्सपोजर। तो एक दोस्त के पास जाने लगे। सलमान भाई क्या रिव्यूज़ हैं आपके? जा रहे हैं फिलहाल, तो आगे जा के देखते हैं क्या निज़ाम है क्या। यार भाई को ना अभी थोड़ा सा कैमरे के बोलना नहीं आता, अभी भाई का ना अभी दूसरा है। और जी आज श्री पिंड में आया है और ये फिर पेट्रोल डलवा रहा है जी। तुसी क्यों लोक रहे हो जी? कितने डलवाया है सलमान भाई? 150 भाई। आज 150 डलवाया है सलमान भाई ने। आज इसने उससे भी कम कर लिया है, 150। चलें जी, हो गया डल गया। आज एक और जगह आए हैं, लेकिन ये गन्ना प्रोसेस यही है, सेम वही, लेकिन इनका थोड़ा सा जी पीटर थोड़ा सा आज एडवांस है। और ये भट्टी ये वही जो मोल था वैसे ही। और ये कौन है? वही थी सलमान। क्या खा रहा है भाई? गुड़ खा रहे हैं। अच्छा ये जो जो गुड़ है ये कच्ची फॉर्म में, यानी कि ये जमेगा तो गुड़ बनेगा। अच्छा ये फेंक रहे हैं भाई यहाँ पे। ये देखेंगे भाई जो है ना, ये गुड़ की डली बना रहे हैं और बस ये गुड़ बन गया। ये सूखेगा बस, ये देखें ये तैयार है, 1-2 घंटे में सूख जाएगा। ये ऐसे तैयार हो जाएगा, ये आ गया 1/2 घंटे में भाई ये सूख जाएगा आराम से। और ये कढ़ाया है उधर जी, बाबा जी बैठे हैं, नज़र नहीं आ रहा है, धुआं धुआं हो चुका है। तो गाइस हम रुके हैं एक जगह पे आके, तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये नज़र आ रहा है आपके मेरे पीछे सारा, अब ये है काना, ठीक है। अब देहात में क्या होता है, इस काने से ना डिफरेंट चीज़ें बनती हैं। इनसे घर की छत बन जाती है, ठीक है। इनसे छप्पर बन जाते हैं, जो भैंसें होती हैं उनकी छतें बन जाती हैं, जहाँ पर जानवर रखने होते हैं। सलमान मज़ीद आपको डिटेल से बताएगा आप। हाँ सलमान बताओ। हाँ यहाँ पे 2 किस्म के काने रखे हुए हैं, देख देखते हैं आप। अच्छा ये क्या है? ये छिलका है इसका? इसका छिलका साथ लगा हुआ है। अच्छा काना ऐसे होता है, इस फॉर्म में होता है काना, इस फॉर्म में होता है। वो जो है ना वो बगैर छिला हुआ है, 2 किस्म, यानी कि ये छिलके वाला है, ये छिलके वाला है और ये बगैर छिलके वाला है। अच्छा इसका रेट ज़्यादा होगा? इसका रेट ज़्यादा होता है, उसका काम होता है। इसका काम यही है ना कि छतें बनना वगैरह वाला? वो 2 डाल सकते हैं, मतलब है। नहीं तो फायदा किसमें है? फायदा दोनों में है, ये भी है वो भी है, काना दोनों काने। अच्छा काम के साथ है किसका? तो जी दोस्त के घर के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन उसका घर मुझे नहीं याद आ रहा कि कहाँ पे है। तो उसके घर को ढूंढने की ट्राई करते हैं। मैं सोच रहा पहले मैं खुद जो है ना ट्राई करता हूँ ढूंढने की, नहीं मिलेगा तो उसे कॉल करेंगे। तो सलमान तो फर्स्ट टाइम आया इस इलाके में। सलमान फर्स्ट टाइम आ पाए हो इधर? हाँ मेरा ये पहले। तो जी हुआ कुछ ऐसे है कि हमने भाई पीछे मिले थे हमें, तो उनसे पूछा है कि यार हमारे ना एक प्यारे दोस्त ने घर कौन सा, तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल ठीक सामने है। तो मतलब कि हम अब वो सामने एस्टिमेटेड आ रहे थे और वो सीधा आगे ना हम खैर एस्टिमेटेड पहुँचे। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ऐसे ही बस शुगल मिला। क्या हाल है? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त।
हम यहाँ पहुंचे हैं तो हमारे हाथ में आती पकड़ा दिया गया है गन्ना। तो अब खाने हमने गन्ने। सलमान भाई गन्ना कैसा है? मीठा तो मेरे दांत तो पता नहीं कमजोर है नहीं है। साथ भाई आप भी खाओ ना, आपको मुंह होता खराब। हम मेहमान है, खा लेते हैं। भाई मेहमानों से पानी भी नहीं पूछा, आते गन्ना पकड़ा दिए, साथ लगा लो। बच्चे अपने? हाँ बच्चे अपने। भाई गन्ना दिखाना। भाई देखो इसने एक दांत में सारा गन्ने का छिलका उतार दिया इधर तक सारा, एक दो तीन चार पांच, पांच जगह से जो ना एक ही दफा में गन्ना को क्या किया भाई, छील दिया। भाई दांत है कि दराती है। तो भाई एक गन्ना खाने के बाद अब पकड़ लिया है दूसरा। तो भाई एक गन्ना खा लिया है तो सलमान खा रहा है तीसरा गन्ना। दिखाओ भाई तीसरा गन्ना खा रहा है, ठीक है। और ये भाई गन्ना खा रहे चूस रहे हैं, ये चौथा पांचवा का गन्ना है। तो माशाल्लाह देहात का माहौल बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। आपको दिखाता हूँ बैक कैम से, ये इधर पुराने घर भी दिखाओ। कुछ अरसे में शहीद होने वाले हैं। हाँ ये कुछ अरसे में शहीद होने वाले। किस चीज़ का बना हुआ है ये? नीचे नीचे अच्छा गाना लगा छत छत कोई नहीं इसकी छत है छत है आप अंदर का। तो भाई मैंने तो लाइफ में गन्ने ना बहुत कम ही खाए हैं, ठीक है। गन्ना इसको खाना आता है या इसको खाना आता है? गन्ने खाने का तरीका ही नहीं आया, मुंह छिलवा बैठा सारा। गन्ना कैसा खाया अजीब ने, सॉरी लेवल बनाया। मैं कहता छूट होना चाहिए इस बंदे का। किस बंदे का? मैं हूँ वही तो। अच्छा तो भाई साथ भाई के पास सिर्फ आए थे हम जस्ट सलाम दुआ करने। तो पिंड का माशाल्लाह बहुत प्यारा है, टोटल ग्रीन 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 एंड ग्रीन। सुकून है यार देहात में, यकीन कर। ये जी मस्जिद की सफाई हो रही है, ये यहाँ की मस्जिद है माशाल्लाह छोटी सी ना, ठीक है। ये अंदर रूम है? अच्छा अंदर नमाज पढ़ते हैं बाहर पढ़ते हैं? अंदर भी पढ़ते हैं बाहर। अच्छा ये अंदर भी है, ठीक है। शॉर्टकट है चले जी। माशाल्लाह जी ये मस्जिद है जी देहात की, जबरदस्त माशाल्लाह, ठीक है जी। और ये जी बाबा जी सफाई कर रहे हैं। रहना तो आपका घर है, नहीं बैठना दफा हो जाओ, ठीक है यार साहब है, ठीक है ओके। आगे रहना आगे है, आगे ट्रेन ये भाई रास्ता ये वाला जाना है, ये वाला एजू जाना है इधर से जैसे आए हो भाई। आपका भूल ना जाए दिशा, मेरी पता हम कैसे आए थे ये क्या चले। तो भाई हम जब आए थे ना रास्ता मतलब के यू आए ऐसे घूम फिर आगे नहीं यहां पे पहुंचे हैं। तो अपना एक रास्ता मैंने देखा इधर से वो कहता इधर जाना है एक रोड और सीधा वापस। कोशिश करते हैं कि इस तरह ऐसे ही निकल के सीधा घर को चलते हैं। तो हम निकलने लगे हैं घर को वापस। तो आज का यही था कि इस टाइम पता क्या लाइट है नहीं, आपको पता है लाइट का बहुत शॉर्टेज है। कल पूरा दिन लाइट नहीं थी, अगर आज लाइट है एक घंटा है एक घंटा नहीं है, एक घंटा है एक घंटा नहीं है। तो हमने सोचा कि बाहर निकलने हैं तो क्यों ना इसी तरफ चलते हैं। हसीब भाई ये तो बताएं सर्दी का मौसम कैसा है? सर्दी तो है ही नहीं लेकिन जैकेट फिर भी पहनी हुई है। ले जी 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 साइकिल, आज भी माशाल्लाह साइकिल का दौर है माशाल्लाह। चाचा साइकिल पे जा रहे हैं, ठीक है। अपने देखें हालांकि ये काश्तकार हैं मतलब कि एक फार्मर है, इनकी अच्छी खासी ज़मीन भी होगी तो, लेकिन फिर भी साइकिल यूज़ किया जा रहा है। मैं आपसे ना एक टिप शेयर करता हूँ, यहाँ पे मेरे ठीक पीछे बिल्कुल ना सूरज है क्योंकि मेरी जो वीडियो है वो बिल्कुल क्लियर आ रही है, ठीक है। लग रहा है तो वीडियो पूरी आ रही है मतलब क्लियर आ रही है, ये देखिए सूरज है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन मेरी वीडियो क्लियर है, इसका टिप यही है कि आपके अपनी जो कैमरे की स्क्रीन है ना उस
इसको ना जब आपने वीडियो चलानी है उससे पहले ना आपने उसको क्लिक करके रखना है ताकि आपका एक्सपोजर और कैमरे पे जो फोकस है वो लॉक हो जाएगा। अब ये कैमरे का एक्सपोजर और फोकस बिल्कुल लॉक है, ये देखें ये सूरज ये हम, लेकिन बिल्कुल भी जो है ना सूरज हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहा हमारी वीडियो।